तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख दिया गैस के ऊपर। कोई भी कंटेनर आप ले सकते हैं, क्योंकि सूप बनाने के लिए मेन हमें बनाना है चिकन का स्टॉक। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 लीटर के करीब पानी इसमें डाल दिया है, उसमें मैंने डाल दिया है चिकन। चिकन अपने मर्जी के अकॉर्डिंग इसी क्वांटिटी आप ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाला है, और इसमें हम ऐड कर देंगे नमक। तो 1 टेबलस्पून नमक ऐड करना है, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये जो स्टॉक है ना चिकन का, ये जितना टेस्टी बनेगा ना उतना ही ज़्यादा टेस्टी हमारा सूप बनेगा। तो इसे अच्छे से बनाना है। और देखिए यहाँ पे पानी की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ही रखा था, ये बॉईल हो चुका है। तो चिकन को हम अलग कर देंगे, और इसका जो ये स्टॉक जो हमने बनाया है इसे हम साइड में रख देंगे। चिकन, अब चिकन के हमें रेशे निकालना है, तो अभी फिलहाल ये गर्म है ना, इसे कर देंगे हम साइड में। और यहाँ पे जो स्टॉक हमने बनाया है ना चिकन स्टॉक, इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं, ज़्यादा ही रखना है। जैसे पानी हम लेंगे ना तो ज़्यादा ही पानी लेना है। अब इस तरह मुझे नहीं निकालना है जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को। अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल, ऑयल जैसे गर्म होता है। अदरक लहसुन मैंने लिया है बारीक चॉप की हुई, हरी मिर्च भी डाला है, 1 टेबलस्पून लिया है सेम क्वांटिटी में। और ये जो अदरक लहसुन हम डालते हैं ना चॉप करके, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। हाई फ्लेम पर सब चीज़ों को हम पकाएंगे। अब यहाँ पे देखिए रेगुलर ऑनियन का ही यूज़ कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो स्प्रिंग ऑनियन जो आता है ना उसका व्हाइट वाला पार्ट इस स्टेज पर आने के बाद कट करके चॉप करके ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हम लेंगे, क्योंकि हेल्दी सूप हम यहाँ पे बना रहे हैं ना। 1 कप कैरेट मैंने लिया है, चॉप कर लिया है फाइन इसे चॉपर से। सेम क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर कैबेज भी लिया है, इसे भी चॉप कर लिया है, फाइन चॉप करना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को हाई फ्लेम पर। हमें इसे कुछ सेकेंड के लिए ही भूनना है, जी हाँ सेकेंड के लिए ही भूनना है, मिनट्स नहीं लगाना है, नहीं तो गल जाएगा पूरी तरीके से। हमें सूप में ना क्रंची जो वेजिटेबल्स है ना क्रंची चाहिए। अब यहाँ पे चिकन स्टॉक हमने बना के रखा था, वो मैंने ऐड कर दिया है। सेम वही क्वांटिटी में जितना स्टॉक था ना उतनी ही क्वांटिटी में पानी भी ऐड कर दिया है मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे 6 से 7 लोगों के लिए सूप बना रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दिया है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है सोया सॉस, जो कि ये नूडल्स की जान है, इसमें कलर भी आएगा। और देखिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी यहाँ पे सूप बन के रेडी हो जाता है। 2 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे ऐड किया है, 1 और टेबलस्पून ऐड कर देंगे क्योंकि इसमें कलर मुझे थोड़ा कम लग रहा था। 3 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे सोया सॉस ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया कॉर्न फ्लोर, तो देखिए इस तरीके से 4 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है, और इसमें 5 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फटाफट से मिक्स भी हो जाता है ये, क्योंकि हमें सूप को गाढ़ा करना है। फ्लेम को मैंने अब इस समय ना फ्लेम को हमें हाई करना है देखिए, और हाई फ्लेम पर एक हाथ से हम ये कॉर्नफ्लोर को डालते जाएंगे, और एक हाथ में स्पून रखना है। इस तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे, डायरेक्टली डालकर बाद में हम मिक्स करेंगे ना तो इसमें लम्स जम जाएंगे, तो फिर वो तोड़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो लम्स ना जमे इसलिए दोनों हाथों का यूज़ करना है। अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, फ्लेम को लो कर दिया है। अब इस स्टेज पर आने के बाद जो चिकन बॉईल किया था ना उसका श्रेड मैंने कर लिया, रेशे निकाल दिए देखिए, और वो भी ऐड कर दिया है। इसमें मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को अच्छे से। और अब बारी आती है एग की, तो यहाँ पे मैंने 2 एग लिया था, अंडे लिए थे, इसे फेंट लिया है अच्छे से। देखिए अंडा हम डाल देंगे इसमें, और फ्लेम को इस समय लो ही रखना है क्योंकि अंडे को पकने में समय लगता है थोड़ा सा, तो पेशेंस रख के इसे पकने देंगे। एक हाथ से स्लोली स्लोली चला लेंगे स्पून से देखिए, और 5 से 10 मिनट हम सूप को पकने देंगे ताकि अंडा पक जाए, स्मेल ना आए। तो मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी 10 मिनट तक लो फ्लेम पर, तो ये गाढ़ा भी हो जाएगा।